मार्च में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अविराम सेवा कार्य कर रहा है। स्वयंसेवक लोगों को भोजन खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ ही उनके स्वास्थ्य की देखभाल भी कर रहे हैं। गाजियाबाद में सेवा भारती द्वारा स्वयंसेवक उत्साह पूर्वक सीधा रसोई में भोजन नाश्ता बनाकर अभावग्रस्त व राहगीर मजदूरों को पहुंचा रहे हैं। अन्य स्थानों पर भी समाज के सक्षम लोगों की सहायता से जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। वाराणसी में लॉकडाउन के दौरान स्वयंसेवक निरंतर प्रयास से 289,000 परिवारों तक भोजन पैकेट पहुंचाने में सफल हो सके। वाराणसी में 1 मई तक 287,782 भोजन पैकेट व 198,307 परिवारों तक राशन पैकेट पहुंचाए गए। घरों में बैठे विद्यार्थियों के विकास के लिए संघ के स्वयंसेवक प्रतियोगी परीक्षाओं का ऑनलाइन आयोजन भी करा रहे हैं। स्वयंसेवकों द्वारा मास्क, गमछा, काढ़ा वितरण के साथ ही रक्तदान, स्वास्थ्य सलाह, दवा पहुंचाने का कार्य भी चल रहा है। कई स्थानों पर असहाय जानवरों को भी भोजन उपलब्ध कराया गया। संघ के कार्य में जाति धर्म को आड़े नहीं आने दिया जाता है। इसमें हिंदू मुस्लिम का भेद समाप्त हो जाता है। अभी तक 18,500 मुस्लिम परिवारों तक मदद पहुंचाई जा चुकी है। कोरोना का संक्रमण रोकने में चिकित्सकों का विशेष महत्व देखते हुए संघ में चिकित्सक स्वयंसेवक भी सक्रिय हैं। 80 चिकित्सक स्वयंसेवकों ने अब तक ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से 7,500 लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी है। वहीं बरेली में स्वयंसेवक अलग अलग स्थानों पर कैंप लगाकर प्रवासियों की सकुशल घर वापसी में मदद कर रहे हैं, क्योंकि अब बस से जाने वाले प्रवासियों का क्रम बढ़ा है। उनके भोजन की व्यवस्था के लिए स्वयंसेवक रात भर जगकर भोजन बनाकर तड़के 3-4 बजे रोड पर बसों में भोजन पैकेट, बिस्कुट, ब्रेड आदि देने पहुंच रहे हैं।